साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, यहां पे मैं बात करने वाला हूं जो बिहार में DLRS का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा था 4 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में। तो 4 अगस्त का ऑल शिफ्ट को जो है कैंसिल किया गया था ड्यू टू टेक्निकल इशूज़ और रीजन के कारण से, क्योंकि टेक्निकल एरर थे। और आपको जो है 3 अगस्त को एक नोटिस दिया गया था जिसमें आपको बताया गया था कि 4 वैसे एग्ज़ाम सेंटर हैं जहां पे आपका जो है एग्ज़ाम पोस्टपोन रहेगा 17 अगस्त तक, जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया। उसके बाद सेकेंड फेज़ के लिए जिनका भी एग्ज़ाम पोस्टपोन किया गया था उनका जो है एग्ज़ाम डेट जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि 26 अगस्त से आपका जो है 29 अगस्त तक जो है आपका एग्ज़ाम जो है होगा, जिसमें कई सारे लोग जो है शामिल हैं। इसमें कई सारे शिफ्ट में, मतलब 2 शिफ्ट में तो आपका एग्ज़ाम होगा और प्लस 26 से 29 तारीख तक आपका एग्ज़ाम होगा। तो मैंने एक वीडियोस बनाया था जिसमें कई सारे लोगों का सवाल आ रहा था, इसलिए तो उसमें मैंने बताया था कि एडमिट कार्ड जो है 23 अगस्त से जो है आप डाउनलोड कर सकते हो। बट कई सारे लोग क्या कर रहे हैं, 23 अगस्त को जब डाउनलोड एडमिट कार्ड करने जा रहे हैं तो वहाँ पर लिख रहा है कि भाई एडमिट कार्ड डाउनलोडिंग जो है ओवर हो चुका है। तो भाई अभी तक डाउनलोड क्यों नहीं हो रहा है, इसका रीज़न क्या है? तो देखो, इसका रीज़न सिंपल यही है। देखो किस तरीके से दिखा रहा होगा वो मैं दिखा देता हूँ। पहले आप जब एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जा रहे होंगे तो वहाँ पे दिखाएगा कि एडमिट कार्ड डाउनलोड इज़ ओवर, मतलब अभी आप जो है एडमिट कार्ड को जो है डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। देखो, आपको जो है, जैसा कि आपको पता है कि 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला था, है ना, 4 अगस्त को जो एग्ज़ाम होने वाला था उसका जो है 1 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ। लेकिन 1 अगस्त से एडमिट कार्ड डाउनलोड होना स्टार्ट हुआ कब, आपका लगभग 3 PM से 4 PM के बीच में, है ना, 3 PM से 4 PM के बीच में, यानी इवनिंग में जो है आपका लिंक एक्टिव किया गया था, है ना। 3 दिन पहले तो आपका लिंक एक्टिव किया गया, लेकिन 3 बजे से 4 बजे, मतलब शाम में आपका किया गया। और उसी बीच में लगभग सभी को जो है मैसेज के थ्रू, मेल के थ्रू बताया गया कि आपका एग्ज़ाम इतना तारीख को इतना बजे से है। तो ये सेम कंडीशंस आपका यहाँ पे भी आपका जो है अप्लाई होगा, है ना। 26 अगस्त को आपका एग्ज़ाम है तो 23 अगस्त को, है ना, 23 अगस्त को आपको जो है मानकर चलिए कि 12 PM के बाद, है ना, 12 PM के बाद आपको जो है मैसेज आना स्टार्ट होगा। और जैसे जैसे आपको मैसेज आना स्टार्ट होगा उसमें आपको जो है आपको बताया जाएगा कि 26 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है, 27 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है, 28 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में है कि इवनिंग शिफ्ट में है, या 29 अगस्त को मॉर्निंग शिफ्ट में है या इवनिंग शिफ्ट में है, आपको जो है मैसेज आएगा। ये मैं एक्सपेक्टेडली कर रहा हूँ क्योंकि जो आपका पीछे हो चुका है उसके अनुसार, क्योंकि अभी तक किसी का डाउनलोड नहीं हो रहा है, इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है, तो डेफिनेटली जो पिछली बार हुई है वही चीज़ें यहाँ पे भी लागू होगा। तो 12 बजे के बाद, या सिंपली आप मानो अगर आपको मैसेज आता है तभी आप डाउनलोड करने जाओ, अदरवाइज़ आप उसको अभी मत करो। आपको टाइम अच्छा खासा है अभी, आपको 24-25 तारीख अभी भी बाकी है, बट आप टेंशन ना लो, 23 अगस्त को जो है आपको नोटिस आ जाएगा, मतलब आपको मैसेज जो है मिल जाएगा। देखो डियर, अगर आपको मैसेज मिलता है और तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो कि हाँ हमारा जो है मैसेज आ चुका है। और जिनका 26 अगस्त को एग्ज़ाम होने वाला है, अब मुझे नहीं पता कि किस पोस्ट का भी एग्ज़ाम होगा, क्लर्क का होगा, कमीन का होगा, कानूनगो का होगा या ASO का होगा, किसका होगा अभी कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। तो अब 26 अगस्त को ही पता चलेगा। तो आपका जब एडमिट कार्ड आ जाए या आपको मैसेज आ जाए कि हाँ हमारा जो है 26 अगस्त से एग्ज़ाम है, तो आप अपना पोस्ट का नाम और कौन सा शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम है आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जब आप एग्ज़ाम दे लेंगे तो एग्ज़ाम देने के बाद आप हमें जो है क्वेश्चन ज़रूर शेयर कीजिएगा। 7488414543 इस नंबर पे आपको जो है व्हाट्सअप करना है, इस नंबर पे अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो, ठीक है, क्वेश्चन शेयर कीजिएगा ताकि और भी लोगों का हेल्प किया जा सके। और अगर आप देने वाले एग्ज़ाम हैं और आपको लगता है कि किस तरीके का पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था, तो उस पर ऑलरेडी जो है मैंने क्या किया है कि एनालिसिस किया है,
ठीक है। एनालिसिस को मैंने जो है कल के डेट में ही जो है आपको क्या किया था, कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट भी कर दिया था, तो एक बार फिर से मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट में, बट आप उसे जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देखो, 23 से 24 वीडियोस होंगे जो कि आपका जो 5 अगस्त से 17 अगस्त के बीच में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उसमें जो भी क्वेश्चंस हमारे पास शेयर किए गए हैं, है ना, जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन शेयर किए गए हैं वो सारी चीज़ें जो है आपको बताई गई है। इससे रिलेटेड बाकी और जो भी अपडेट्स होंगे BCCA के बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो अपडेट्स होगा या मुझे जो भी अब इंफॉर्मेशन पता चल पाएगा वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाएगी। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि इससे रिलेटेड हर अपडेट्स जो है आपको मिलता रहे। देखो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए तो फ्री है, बट जब चैनल को आप सब्सक्राइब करते हो तो उससे हमें हेल्प और प्लस मोटिवेशन दोनों मिलता है कि नहीं आप लोगों को बेटर इन्फॉर्मेशन और सटीक इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे आप लोगों को दिया जा सके। ओके, तो जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किए जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। थैंक यू।